मंत्री शाहक अहमद खान चौधरी एस रजा खा इलाहाबाद में मारूफ कानूनदान चौधरी अरशद कमर की दावत पर अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने आ रहे हैं। इस मौके पर मुस्लिम नून के कारकुनान ने अपने उम्मीदवार के आने की खुशी में ढोल की थाप पर रक्स किया और फूल निछावर करके तारीखी इस्तकबाल किया, जैसे में मुस्लिम लीग की रहनुमाओं का जोशीला खिताब। साबित किया है और पूरी दुनिया ने भी साबित किया है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरक्की को अपने मुंह से इकरार कर रही है। इसी तरह हमारे जो इलाके के दायरे हैं उन्होंने भी खुद को साबित किया है। आप भाई भी अगर से शुरू हो जाए और आप दुनिया तक चले जाएं, बल्कि इंडियन बॉर्डर तक चले जाएं, आपको पता चलेगा कि हमारे कायदी ने दिन रात मेहनत करके इस इलाके को लाजवाब तरक्की दी है। मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जमात है, जो लोगों के दिल में हमारी लीडरशिप बसती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त मेरे हल्के का नाम पे हम इस वक्त मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी से आप आराम से सुन रहे हैं, ये 2018 का इलेक्शन है, आम इलेक्शन है। ये एक तरफ तरक्की का नाम है और एक तरफ पसमानगी और झुड़म। ये छोटे छोटे बच्चे थे, आज में 40+ साल का जवान है, कई बुजुर्ग है, इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के परचम को गिरने नहीं दिया। और हमने 2008 से जब हमने अलग होके इस इलाके की हुकूमत की, आज आपको साबित हो गया है कि आज इलाहाबाद के नौजवान आपके चुने गए छाना माने हुए नौजवानों से आगे हैं। इलेक्शन नहीं, अपना इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये खुद शेर है, क्या है शेर है। इंशाल्लाह आज आपने इस कन्वेंशन में साबित कर दिया है कि हल्का एमए 139 और 170 और 178 आज जहां उठा है, आज आपने जो रात डाली है ये खुशहाली की रवायत है, ये शांति की रवायत है, ये अमन की रवायत है। और ये जो नुमाइंदे यहां पर बैठे हुए हैं ये तरक्की के और खुशहाली के जामन है। यहां पे बात हुई हिम्मत की, 600 आपको वादी करने के लिए जरूरत जो आपने और राणा मोहम्मद हिसार साहब ने चंबल से लेकर पंतोगी से लेकर अलाहाबाद तक जो खिदमत की है, ये सबको पता है। और ये डोगे मेरे नहीं है, ये सियासी बसीरत रखने वाले शेर है। और इंशाल्लाह ये आपकी खिदमत का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे, आपका इलेक्शन खूब लड़ेंगे, जैसे कि उन्होंने 2008 में ऐसे गलत में इलेक्शन लड़ा था। हिफाजत की जिन्होंने पाकिस्तान
सुन्नत की हिफाजत की, जिन्होंने एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पक्षम तले मुजहिद होकर ये इस डिस्ट्रिक्ट कसूर में साबित करवाया। ये डिस्ट्रिक्ट कसूर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, ये डिस्ट्रिक्ट कसूर मियां शहबाज शरीफ का है। और वो क्यादत जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन किया, वो क्यादत जिसने मुल्क पाकिस्तान में तारीकी का खात्मा किया, वो क्यादत जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया। और आज अल्लाह के फजल करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दिलों में बसने वाले लीडर है। और मियां साहब, ये आपके सियासी वर्कर, ये आपके मंत्रालय उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक आप पाकिस्तान के दोबारा उम्र याद नहीं बन जाते। क्योंकि नाना साहब ने आगे जाना है, दिल तो बहुत करता है लेकिन सिर्फ चंद बातें करके इजाजत चाहूंगा कि आज ये इलेक्शन आपने खुद लड़ना है। आज एक तरफ वो लोग हैं जिनका कोई नजरिया नहीं है, एक तरफ वो लोग हैं कि जो रात को एक पार्टी में होते हैं दिन को दूसरी पार्टी में होते हैं। वो लोग हैं, वो लोग हैं जहां जमात मां होती है जैसे धरती मां है, एक तरफ वो लोग हैं कि जो अपनी मां को बदलते हैं। और आज एक तरफ आप हैं कि जो अपनी मां से प्यार करने वाले हैं, पार्टी से प्यार करने वाले हैं। कभी साइकिल लेके आते हैं, आप कभी तीर लेके आते हैं, और इस तरफ शेर ही शेर है। और ये न झुकने वाले हैं बल्कि टिकने वाले हैं, ये सरों पे कफन बांध के निकले हैं, और ये बेसुरों के बेसुरों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। पार्टी पार्टी बदलने वालों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे, और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे, बड़ी प्यार तक पहुंचाएंगे, तुमने शेर से टक्कर ली है। अल्लाह के फजल करम से ये आपको जहां आपके बल्ले को तोड़कर निकल जाएंगे और आप बड़ी गाना पहुंचेंगे। शेर के साथ टाइम निकल लेता है, इजाजत चाहूंगा पिया मिलंदी रोता रे, पिया मिलंदी रोता रे तो नचे मांदा मोर, मेले दे खुशबू मचाया मेरे रेड़े शोर, ते गुरु कट गया दिला टूटा गुरु छोड़ दो के लिए। इतना ही, मजीद खबरों तफसील जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट